सोच साहस सरोकार। रामसर साइट्स को लेकर पीएम मोदी ने दी बधाई। आजादी के 75 साल में 75 साइट्स का लक्ष्य। बिना हेलमेट और लाइसेंस के बाइक चला रहे थे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। दिल्ली पुलिस ने काटा 41,000 रुपए का चालान। हर घर तिरंगा मुहिम पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिना नाम लिए आरएसएस को बताया देशद्रोही संगठन। देश में खत्म हो जाएंगे टोल प्लाजा, नई तकनीक से होगी वसूली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। 12 बार बारबाडोस को हराकर भारत T20 सेमीफाइनल में। छठे दिन भारत के नाम रहे 4 मेडल। अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडल आयुक्त सभागार में गोरखपुर जनपद समेत गोरखपुर मंडल के महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। तो 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में भी मौजूद है, जहां आज उनके दौरे का 3रा दिन है। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जबकि गोरखपुर के आसपास के जो भी जनपद है वहां के अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक की, साथ ही कानून व्यवस्था का भी हाल जाना। बाढ़ की स्थिति का, सूखे की स्थिति के बारे में, जो सड़कें सुकृत हैं उनके बारे में चर्चा हुई, जो पुल बन रहे हैं, जो आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, सब सभी विषयों पर चर्चा हुई और समयबद्ध रूप से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि सब कार्य संपन्न हुए। बुलंदशहर में आजादी अमृत महोत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। आजादी अमृत महोत्सव के तहत जनपद में करीब 6.5 लाख घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। अभी तक की 4,50,000 घरों पर और 2 लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके साथ ही 5 अगस्त तक ग्राम प्रधानों और सभासदों को तिरंगा विकसित किया जाएगा, जिससे कि हर घर तिरंगा मुहिम जो है वो सफल हो सके, जिसको लेकर शहर में भी अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जनपद बुलंदशहर में कुल 6.5 लाख ध्वजों के ध्वजारोहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से लगभग 4.5 आवासीय प्रतिष्ठान हैं एवं अवशेष जो हैं व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। इसमें हमारे झंडे जो हैं वो कृषि प्रशिक्षण छात्रावास स्थित हमारा सेंट्रल डिपो जो है वहाँ पर फ्लैग कोड के अनुपालन में इकट्ठे किए जा रहे हैं, और कल से यानी कि 4 तारीख से हमारा वितरण कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राम प्रधान और नगरीय क्षेत्रों से पार्षद अपने क्षेत्र के लिए झंडे हमारे सेंट्रल डिपो से प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय जनप्रतिनिधियों के करकमलों से किया जाएगा। औरैया में सीएम योगी ने करीब 3 लाख हेक्टेयर बंजर बिहार जमीन को कृषि योग्य बनाए जाने की घोषणा से किसानों के चेहरे अब खिल उठे हैं। इस आदेश की सराहना करते हुए ग्राम प्रधान ने कहा कि इससे स्वरोजगार बढ़ेगा और अब रोजी रोटी के लिए उनको कहीं भी भागना नहीं पड़ेगा। तो औरैया में किसानों के चेहरे अब खिलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां सीएम योगी ने अनुपजाऊ जमीन को कृषि योग्य बनाने की जब से घोषणा की है वहां के किसान जो है वो बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का फैसला बहुत अच्छा है। इससे जो तमाम आदमी बेराजी थी, जब इस खेती जंगल सही हो जाएगा तो उसमें जो गल्ला पैदा करेंगे और तमाम चीज़ें पैदा होंगी जानवरों के लिए, इंसानों के लिए तमाम आम हो जाए, जानवरों को चारा मिलेगा। इससे ये फैसला मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा है। जंगल भूमि है हमारी, जंगल भी है, कुछ अच्छी भी है। मुख्यमंत्री
माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2.94 लाख हेक्टेयर बिहड़ी बंजर योग्य भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है, क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर खेती अच्छी वाली हो जाएगी तो किसानों का भला होने लगेगा। और यह जनपद की अधिकतर बिहड़ी जनता जमीन है, यहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं है, क्या कहना चाहेंगे ये अगर योजना आ जाती है? योजना आ जाए बहुत अच्छी बात है, सबको लाभ होगा, क्योंकि सबको अच्छा है। अगर यहाँ पर कृषि होने लगेगी तो उससे रोजगार के क्या अवसर बढ़ेंगे? बहुत बढ़िया रोजगार बनेंगे, ऐसी नहीं है, होगा, आदमी को पालन पोषण सही होगा। सरकार की इस योजना के लिए हम लोग सभी ग्रामवासी सभी इसका स्वागत करते हैं, और जब बिहड़ की ज़मीन और बंजर जमीन जब एक सी हो जाएगी तो इसमें हम लोगों को रोजगार के साधन बन जाएंगे, हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अलीगढ़ में मुहर्रम को लेकर ताजिया दफन किए जाने की तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी हो चुकी हैं। वहीं डीआईजी दीपक कुमार ने करबला का निरीक्षण किया, इसके साथ ही शिया धर्मगुरुओं से बातचीत भी की। उन्होंने धर्मगुरुओं को पूरा भरोसा दिलाया है कि शांति व्यवस्था के साथ जुलूस निकाला जाएगा। आपको बताते चले कि 10 अगस्त को ये त्यौहार मनाया जाना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और ताजिया दफन किए जाने की भी तैयारियां अब अलीगढ़ में पूरी हो चुकी हैं। आशुरा के ताल्लुक से लगातार मीटिंगें तो चल ही रही हैं। अभी डीएम एसएसपी साहब ने एक मीटिंग ली थी, उसके बाद एसपी सिटी एडीएम सिटी साहब ने भी ली थी मीटिंग, लेकिन आज पर्सनली डीआईजी साहब ने मुआयना किया पूरी करबला का। डीआईजी साहब के साथ जितने शिया उलमा हैं वो सब लोग मौजूद रहे हैं। थियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मौलाना तैयब रज़ा, मौलाना तकी, मौलाना हसन मोहम्मद, मौलाना मजलिसी, मौलाना गुलाम रज़ा और मौलाना गुलाम हैदर साहब, ये जितने भी शिया कम्युनिटी के पेश नमाज और जितने लोग हैं वो सब लोग मौजूद रहे। साथ में शहर के मेयर फुरकान साहब ने भी दौरा किया था। मुहर्रम का यह जो जुलूस है, यह मातमी जुलूस है और हम सब के प्रिय रसूल पाक के नवासे की शहादत के याद में, हमारे इमाम साहब की याद में ये निकाला जाता है, ये मातमी जुलूस। और इसमें पिछले विगत दो वर्ष से कोरोना के कारण यह जुलूस नहीं निकला। इस बार यह मातमी जुलूस जो है, जैसे हर बार परंपरा से निकाला जाता था, उसको निकाला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और डीजीपी सर के द्वारा हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जुलूस है, जो भी तीज त्यौहार परंपराएँ हैं, उसके हिसाब से सारे तीज त्यौहार इस बार मनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ करबले का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें मेयर साहब और सभी अधिकारी और जो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु जो कि शिया समुदाय के हैं, वो सारे लोग उपस्थित थे। औरैया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट के सुनील कुमार सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जनपद मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। अपर जिला जज और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने एहतियात के तौर पर न्यायालय को अगले 72 घंटे तक बंद रखने का आदेश जारी किया है और पूरे परिसर का सैनिटाइजेशन कराने का भी दिशा निर्देश जारी किया है। तो औरैया में सत्र न्यायालय को अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि सत्र न्यायालय में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि वहां का कोर्ट 2 दिन तक बंद रहेगा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में अपनी मांगों को लेकर भाकियों के कार्यकर्ताओं ने तहसील पर धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक इंदौर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले मजदूरों की कंपनी में बहाली को लेकर तहसील परिसर में अनग्न होकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं एसडीएम की कार्यशैली से नाराज किसानों ने मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का भी ऐलान किया और अब वो धरने पर भी बैठ गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अनग्न होकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक कंपनी है सिकंदराबाद इंडस्ट्री एरिया में, द इंदौर प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने करीब 24-25 लोगों को, जो करीब 23-24 साल से कार्यरत थे उस कंपनी के अंदर, लॉकडाउन के नाम पे निकाल दिया। इस संबंध में हमने 4-5 दिन पहले एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था और एसडीएम साहब से कहा था कि आप लेबर वालों को और कंपनी वाले लोगों को बुला लो
और बैठ के वार्ता होके इन लोगों को कार्य पे रखवा दीजिए। लेकिन जो एसडीएम साहब का रवैया देखने को मैं आया है, एसडीएम साहब का रवैया बिल्कुल तानाशाही वाला रवैया रहा है। ना ही तो हमारे बीच में एसडीएम साहब उपस्थित हुए और ना ही इन्होंने किसी भी सक्षम अधिकारी को हमारे बीच में आने दिया। गाजियाबाद के भाटिया मोड़ इलाके में कप प्लेट बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं इस घटना में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। उसकी आग लगी है, फैक्ट्री है। हाँ, आपको तीन तरफ से जानी कार्रवाई की जा रही है जी। और किस चीज की फैक्ट्री है ये? है वो क्राकरी और पैकेजिंग की फैक्ट्री। कोई जानहानि तो नहीं है इसमें? प्रयागराज पुलिस लाइन में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सिपाही ने कार्बाइन से खुद को गोली मार ली। वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं जिस थाने में सिपाही तैनात था वहां पर आला अधिकारी तैनात, साथ ही पुलिस कर्मियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ये आकाश कुमार हैं, 2019 बैच के कांस्टेबल हैं ये, और ये पुलिस लाइन में इनकी पोस्टिंग थी। रहने वाले मूलतः ये मथुरा के हैं। अभी कुछ देर पहले पुलिस लाइन में ही ये अपने ही कार्बाइन गन से अपने सर पे गोली मार लिया, जिनको तत्काल वहाँ से जो लोग भी मौजूद थे, पुलिस आरआई साहब और इंस्पेक्टर करलंगे सब लोग लेकर के आए अस्पताल। इनका थोड़ी देर तो उपचार हो पाया है, लेकिन ये फिलहाल बच नहीं पाए और इनकी मृत्यु हो गई है। इनके परिजनों को घर पर वहाँ पर सूचना भी दी गई है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जाँच भी की जा रही है कि क्या वजह थी इनके पीछे। संभल चंदौसी पुलिस ने लूट और छिनैती करने वाले दो आरोपी और बलात्कारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनके पास से नकदी, मोबाइल और लूटपाट का सामान भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक अपराधी जिले में चार लूट की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो गए थे। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। थाना चंदौसी की पुलिस के द्वारा आज एक लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसमें तीन अभियुक्त, जिनके नाम जयप्रकाश थाना फैजगंज बहटा का निवासी, हृदेश ये भी फैजगंज बहटा का निवासी है, दोनों गिरफ्तार किया गया है। साथ में एक बाल अपचारी भी गिरफ्तार किया गया है। इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके पास से कुल दो मोटरसाइकिल, दो पैन कार्ड, एक काले रंग का पर्स, एक काला बैग, कुछ नकद पैसे, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, ये चीज़ें बरामद की गई हैं। संभल के सहरिया अब्दान नगर थाना कोतवाली क्षेत्र में पीड़ित की पत्नी गफ्फार के साथ इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। दरअसल चंदा बी के 5 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके बाद अब इंसाफ के लिए एक महिला दर दर भटकने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसे प्रशासन से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। 5 साल के बच्चे जुनैद की हत्या कर दी गई थी। बच्चा हमारा खत्म हो गया तो साहब उसकी हमें इंसाफ चाहिए। कैसे खत्म हुआ था? बच्चा जो घर से 6 बजे खेलने निकला, टंकी पे गया, टंकी पे से लापता हो गया। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए। तहकीकात करने के बाद इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ चाहिए। क्या नाम है? 16 जून को। अच्छा, अब क्या हुआ, क्या आप क्या चाहती हो? अब हम ये चाहते हैं, हमें बस इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा, हमें हो गए 8 दिन तक ज़्यादा लगातार, जब से हमें पता मिला हमारे लड़कों को कोई ना कोतवाली में सुनने हमें पता। अब क्या चाहती हो आप? अब हम ये चाहते हैं उनसे मालूमात का, हमें इंसाफ चाहिए, जो हमें पता चला उन। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।